मैं भी आंसू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज के एक और फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं iPad Pro 2018 मॉडल को लेकर, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो iPad Pro होगा एप्पल की तरफ से, उसमें आपको मिलेगा 6GB का रैम और 1TB का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा, जो की काफी बड़ी बात है। मतलब आपको, मतलब 1TB का स्टोरेज आपको आपके पीसी या फिर लैपटॉप में देखने को मिलता था, अब आपके मतलब आईपैड यानी कि टैबलेट में मिलेगा। तो मुझे तो लगता है ये जो 1TB का स्टोरेज जल्द ही फोन में भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा जो नोट 9 है उसमें आपको 512GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, और आप मतलब 500GB का या फिर 600GB का और उसमें आप लगा सकते हो एक्सटर्नल स्टोरेज और उसको 1TB का बना सकते हो। लेकिन वैसे डायरेक्ट इसमें 1TB का नहीं था, तो मुझे तो लगता है फोन में भी जल्दी आ जाएगा। तो वैसे अभी आईपैड वो नहीं ट्विटर की तरफ से जहाँ पे उस पर ट्विटर पे अपडेट आया, उस अपडेट के द्वारा उसमें नया फ्लोटिंग कम्पोज का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि आप एकदम कम्पोज का जो आइकन उनको फ्लोट करता रहेगा, आप उस पर क्लिक करके आपका जो भी ट्वीट करना है, कम्पोज करना है, वो आप ट्वीट कर सकते हो। और रिपोर्ट स्पैम का जो नया ऑप्शन आ चुका है, यानी कि अगर आपको कोई लगता है ट्वीट है वो आपको स्पैम लगता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, और ये काफी ज्यादा इजी आपको हो चुका है। तो अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो आप व्हाट्सएप की तरफ से, जहाँ पे व्हाट्सएप पे एक अपडेट है, इस अपडेट के द्वारा इसमें प्राइवेट रिप्लाई का फीचर आ चुका है। ये प्राइवेट रिप्लाई ऐसा होगा, अगर आप सपोज कोई ग्रुप ज्वाइन किए हो जो कि काफी 2-3 मेंबर, 4-5 या फिर उससे ज्यादा मेंबर्स है, आप उनमें से किसी एक ही मेंबर को रिप्लाई करना चाहते हो और वो आप नहीं चाहते हो कि पूरे ग्रुप वाला जितना भी लोग हैं वो उसको देखे, तो आप यहाँ पे प्राइवेट रिप्लाई का फीचर आ चुका है। अभी ये एंड्रॉइड के लिए आया, iOS के लिए शायद आ चुका होगा, मुझे नहीं पता है, तो फिलहाल एंड्रॉइड के लिए आ चुका है। तो अगर आप मतलब ग्रुप में से किसी एक ही लोग को रिप्लाई करना चाहते हो, तो नहीं चाहते हो कि पूरे ग्रुप वाला जो लोग है उसको रिप्लाई को देखे, तो आप उसको प्राइवेट रिप्लाई का फीचर यूज कर सकते हो। LG की तरफ से जहाँ पे LG अनाउंस कर दिया है कि ये जो उसका जो फोल्डेबल फोन होगा वो CES जो होता है हर एक साल, जो मतलब जहाँ पे काफी सारी कंपनीज अपना जो नया स्मार्टफोन लॉन्च करती है, वो CES 2019 में जो होगा उसमें अपना फोल्डेबल फोन लॉन्च कर सकता है। वैसे सैमसंग की तरफ से 2 फोल्डेबल फोन आ चुके हैं, तो मतलब अभी लीक निकल के आ रहे हैं 2 फोल्डेबल फोन को, तो देखते हैं सबसे पहला फोल्डेबल फोन कौन लेके आता है, वो एक्चुअल वाला, वैसा वाला नहीं जो 2 स्क्रीन होगा और एक मुड़के एक स्क्रीन बन जाएगा, वैसा वाला नहीं, एक्चुअल बेंडेबल फ्लेक्सिबल या फिर कुछ भी कह लो वैसा वाला। Y93 को लेके यहाँ पे ये चाइना में लॉन्च हो चुका है, जो इसकी प्राइसिंग है वो है चाइनीज रुपीज के हिसाब से 1500 CNY। तो फिलहाल ये इंडिया में नहीं लॉन्च हुए, मुझे नहीं लगता ये लॉन्च होगा, क्योंकि वीवो के काफी जो नए मॉडल लॉन्च होते हैं, क्योंकि जहाँ अधिकतर जो चाइना में लॉन्च करता है मॉडल, वो वीवो इंडिया में नहीं लॉन्च करता है, तो यहाँ पे ये चाइना में लॉन्च कर दिया। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 19:9 ACO पे बेस्ट है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 439 देखने को मिल जाएगा, जी हाँ 439 देखने को मिल जाएगा। 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉन्च कर दिया है चाइना में वीवो Y93 स्मार्टफोन FlexPai को लेके, और ये पहला ब्रांड है जो कि अपना मतलब फ्लेक्सिबल या फिर ब्रांडेबल जो भी कह लो वो अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, और ये भारत में नहीं है, चाइना में लॉन्च किया, जो इसकी प्राइसिंग है वो है 9000 CNY, जो कि चाइना का करेंसी है। इसकी अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 7.2 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसको आप बैंड कर सकते हो और इसको आप छोटा बना सकते हो बैंड करके, और इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 850 देखने को मिलेगा, 16+20 मेगापिक्सल का आपको इसमें रेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं जो पहला भारत में कौन सा फ्लेक्सिबल या फिर बेंडेबल फोन कॉल लॉन्च करता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।